गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ प्रीति। सो फ्रेंड, मैं न्यू वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। सो आज मैं ला रही हूँ हिना हेयर पैक। सो आज हिमालय का हिना हेयर पैक यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम रहेगा। सो इसका रिव्यू मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसा है। सो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे भिगोना है और कैसे लगाना है। इसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसमें क्या क्या मिक्स है ये सब बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट्स कर दीजिएगा कैसा लगा आपको ये मेरा हेयर पैक। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, ये है हिना नेचुरल शाइन मेहंदी। ये फाइट प्री नेचुरल ग्रेमिंग ग्रेइंग लॉन्ग लास्टिंग कलर है और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों को सॉफ्ट शाइनिंग एंड हेल्दी हेयर बनाता है। भृंगराज, आंवला एंड करी लिप्स, इसमें मेथी, बहुत सी चीज़ें मिक्स हैं। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ। आप नॉर्मल कंटेनर कुछ भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ लोहे की कढ़ाई और चाय पत्ती का पानी ले रही हूँ। चाय पत्ती का पानी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी ठंड चल रही है और चाय पत्ती का पानी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो ये कंडीशनर का भी काम करता है। सो यहाँ पर मैं चाय पत्ती का पानी ले लूँगी और इसे मेहंदी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, सो मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी ले रही हूँ। आप अपने, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मेहंदी। सो आपने सिंपल नॉर्मल पानी से भी इसे मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल मेथड दी हुई है। सो इसे मैं अच्छे से भिगो लूँगी। आप नाइट में भिगो के ओवर नाइट भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भिगो के रख रही हूँ, 2 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। सो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अंडा यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने हो गए मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, तो मुझे अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइन करना है। तो यहाँ पर मैं अंडा मिक्स करूँगी या फिर आप दही यूज़ कर सकते हैं। जो अंडा यूज़ नहीं करता है वो दही यूज़ करें या फिर आप ऐसे सिंपल मेहंदी बस भिगो के रख सकते हैं, कोई ये नहीं है। सो यहाँ पर मैं अंडा डाल के अच्छे से इसे मिला देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसे मैं 2 घंटे के लिए रखूँगी। इसे 2 घंटे के लिए मैं अच्छे से सेट होने रख दूँगी ताकि लोहे की कढ़ाई का थोड़ा बहुत इसमें आयरन मिक्स हो जाए। सो चलिए मैं इसे 2 घंटे के लिए मिक्स करके रखती हूँ, अच्छे से सेट करने रख देती हूँ और इसे अच्छे से ढक के रखना है। और यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं। सो मैं मेहंदी अच्छे से सेट हो गई और आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ब्लैक दिख रही होगी, इसमें अच्छा आयरन आ गया है। सो इसे अच्छे से मिला देते हैं और इसे अच्छे से मिला देते हैं चलो। और इसे फिर हम अपने हेयर में अप्लाई करेंगे। सो इसे आप अपने हिसाब से हेयर में अप्लाई करिएगा। यहाँ पर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ अपनी हेयर को और मैं अपने हाथों से ही लगाऊंगी, ग्लोव्स वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। आप ग्लोव्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसा लगा रही हूँ। सो इसे जल्दी से मैं अप्लाई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इससे नहीं बताऊँगी। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है तो आपको फास्ट समझ में आएगा। सो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी, इसमें तो बहुत अच्छा ही दिया हुआ है। 120 ग्राम की ये मेहंदी 75 में मिल रही है। इसे मैंने डीमार्ट से परचेज़ किया था, डीमार्ट गई थी। तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर ये आप मेडिकल में भी मिल जाएगी ये मेहंदी आप लोगों को। सो ये हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइन और स्मूथ बनाएगा, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी है, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। यहाँ सभी कुछ दिया हुआ है इस मेहंदी के पैकेट में, आप देख लेना आप अच्छे से। सो मैं अभी आप लोगों को इसका रिव्यू बताऊँगी कैसा है यूज़ करके, कैसी मेरी हेयर लग रही है। इसमें बिल्कुल नेचुरल कलर आने वाला है, सो देखते हैं। सो ये मैंने 2 पार्ट्स में अच्छे से लगा के पूरा कंप्लीट कर ली हूँ और इसे अच्छे से मैं पैक कर दूँगी ताकि छूटे ना। और जो बची हुई मेहंदी है उसे मैं ऊपर से अच्छे से इसे लगा दे रही हूँ। सो चलिए मैं ये कर लेती हूँ इसे अच्छे से। इसे अच्छे से अब मैं पैक करके रख रही हूँ। इसे मैं 2 घंटे के लिए लगा के रखूँगी, 2 या 3 घंटे के लिए लगा के रखूँगी। सो आप 2 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं। तो 2 या 3 घंटे तो रखिएगा ही मेहंदी, तो थोड़ा अच्छा कलर आता है इसका, नेचुरल कलर आएगा, देखते हैं। सो चलिए ये लग के तैयार हो गई है, अब मैं इसे वॉश करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, मैं हेयर वॉश कर चुकी हूँ और मैंने 3 घंटे रखी थी, 2 घंटे भी रख सकते हैं, मैं मूवी देख रही थी तो 3 घंटे मेरे निकल गए, समझ ही नहीं आया, तो मैंने 3 घंटे दे रखी और इसे वॉश कर ली हूँ अच्छे से। बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुई है, सूखी नहीं है मेरी हेयर, हल्की हल्की नरम है। और आप मेरे हेयर का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है, रेडिश नहीं दिख रही है, बिल्कुल नेचुरल कलर है।
और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही होगी, आपको समझ में ही आ रहा है, और सिल्की भी। सो मैंने अभी शैम्पू यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आप लोगों को हर वीडियो में मैंने बताया मैं शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पानी से वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं नाइट में मैं ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों की, और फिर नेक्स्ट डे मैं शैम्पू से ही वॉश करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इतनी अच्छी सिल्की एंड शाइन लगती है ना बाल, बहुत ही मज़ा आ जाता है। सो आप लोग भी ऐसे ही यूज़ करिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।